देखिए आपका गुनेगार और बादशाह सलामत का कातिल वज़ीर आला। ज़फ़र ये हिम्मत कि तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली, हम क्या पूरा बख्तात तुझे माफ नहीं करेगा। अच्छा शाहनवाज के कातिल अलादीन अलादीन उर्फ काले चोर को सलाम करते हैं। अलादीन अलादीन अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। मतलब मेरी अम्मी की परवरिश हारी नहीं, मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। यही तो मैं कह रहा हूं आका। आका, उस कमीने जफर ने अपने वफादार जिन यानी मुझे भी धोखा दिया है, मेरी चोटी काट ली, मेरी जादू की ताकत मुझसे छीन ली और मुझे अंगूठी में कैद करके फेंक दिया। मेरा जादू मुझसे छीन लिया, लेकिन आपकी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। उसने आपके ऊपर बादशाह सलामत के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे हुक्म दिया कि मैं बगदाद की आवाम से कहूं कि आप मेरे आका हैं, और आपके कहने पर मैंने बगदाद में तबाही और बर्बादी फैलाई। आपकी तो जिंदगी तबाह कर दी, आपसे आपका भाई छीन लिया, उसकी वजह से आपकी अम्मी गमों में डूबी हुई बगदाद के किसी अंधेरे में गुमनामी की जिंदगी जी रही है। और उसी शैतान ने मेरे अप्पू का कत्ल किया। क्या दुश्मनी का किस्सा तूने शुरू किया है ना जफर, खत्म मैं करूंगा। मैं उमार और रुखसार का बेटा अलादीन अपने अब्बू के खून और अम्मी की आंसू की कसम खा के कहता हूं कि जफर को अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना होगा। मैं अब अपने अब्बू की ही नहीं अपनी भी बेगुनाही साबित करके जफर का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। बगदाद में इंसान तो क्या, वहां की हवाएं भी आपको दुश्मन समझती हैं। आपको बगदाद का बच्चा बच्चा पहचानता है, आप बगदाद में कदम भी नहीं रख पाओगे। गुस्ताखी मुआफ हो आका, नाम और हुलिया तो आप बदल देंगे, लेकिन जफर से बदला लेने के लिए शैतानी दिमाग कहां से लाओगे? हिम्मत तो जुटा लेंगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाएंगे? लोहा लोहे को काटता है, जफर के कमीनेपन को कमीनापन ही हरा सकता है। और आपको तो शायद इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता है। एक बार ना जफर का एक सोने का कलाईबंद चोरी हो गया था। एक गरीब पहरेदार को उस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। शायद आज भी बगदाद की किसी अंधेरी काल कोठरी में तड़प रहा होगा उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। जानते हो कड़ा किसने चुराया था? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। कड़ा कहाँ गया? इसे ढूंढ रहे हो क्या?
से ज्यादा होशियारी दिखाने वाले ना ऐसे ही फंस जाते हैं। आज तुम फंस गए, जल्दी सफर भी फंस जाएगा। और रही बात बगदाद जाने की, तो बगदाद अलादीन नहीं जाएगा, वो तो एक सीधा साधा सब लड़का है जो एक साल पहले दफन कर दिया गया। बगदाद जो जाएगा वो ऐसी चाले चलेगा कि जफर कब उसका मोहरा बन जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा, जो जफर को टक्कर भी देगा और हराएगा भी। कौन? अंगूठी छाप, इनसे मिलो। अली, नाम में क्या रखा है? मतलब तब यही कि बादशाह सलामत के गुजर जाने के बाद हमारे लिए ये पिछला एक साल हमारे लिए बहुत ही मनहूस रहा। आप फिर से रोने वाले हैं वजीर आला? नहीं, अगर आप रोना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर रो सकते हैं। हमारे पास ना ही आंसुओं के लिए वक्त है और ना ही आंसू बहाने वालों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे भी बगदाद जैसे बहादुर मुल्क में किसी भी इंसान की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। वैसे शहजादी आप जानती हैं, पिछले एक साल में हमने आसपास के सारे मुल्कों को फतेह कर लिया है। दूसरों के मुल्कों को छीनना अबू का तरीका नहीं था। और बगदाद ना ही इतना ताकतवर है, फिर वो सारे मुल्क बगदाद से मिल कैसे गए? हमारे जिन की वजह से, आपकी वजह से। आपको क्या लगता है हमारे सिपाहियों ने आसपास के मुल्कों को जीता है, उनकी जमीन जीती है? नहीं, बल्कि आपने उन लोगों का दिल जीता है। अरे वो तो चाहते हैं कि आप जैसी शहजादी उन पर हुकूमत करे और उन सारे मुल्कों की आवाम को आपसे मोहब्बत है। हमने कितनी दफा कहा है वजीर आला, इस लफ्ज का जिक्र हमारे सामने मत कीजिए, हमें मोहब्बत के नाम से भी नफरत है। जी बेहतर, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आपसे निकाह नहीं करेंगे। बल्कि आपके साथ रहकर आपकी खिदमत करेंगे। हमारा और आपका निकाह हमारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश पूरी होकर रहेगी। आपका दिल इस बात के लिए गवारा करेगा? अपने दिल की सुनना, हमने एक साल पहले ही छोड़ दिया था। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम भी बगदाद के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे निकाह करेंगे। बहुत बेहतर। इस ईद के मौके पे हमने जितनी भी गलतियां की हैं हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से आपका मतलब नहीं समझे। हमारा मतलब ये है कि आज शाम सबके सामने हम इस बात का ऐलान कर देंगे।
पहले अब्बू की मोहब्बत जीने का सहारा थी, अब तुम्हारी नफरत जीने की वजह है काले चोर। तुम तो मिट गए मगर ये नफरत कभी नहीं मिटेगी। आती जाती हर सांस हमें याद दिलाती रहेगी कि तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थे। मैं सफर को बर्बाद कर दूंगा। पिछली चाल उसमें चली थी, अब मेरी बारी है। अब चाल भी मेरी होगी और जीत भी। इरादा नेक है आका, पर ख्याल रहे जफर अकेला नहीं है, उसके साथ वो है। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जिसके खौफ से दुनिया की हर सल्तनत जफर के सामने सर चुका रही है। मेरा छोटा भाई। मतलब आपका छोटा भाई चिराग का जीन। अलेपो के शहंशाह को बगदाद का सलाम। सलाम नहीं, हुकुम। तुम अपनी सल्तनत हमारे हवाले कर दो। अगर इनकार किया तो जो खत लेकर आया है वो सर लेकर जाएगा। उसकी मदद से जफर ने लगभग दुनिया की हर छोटी बड़ी सल्तनतों पर कब्जा कर रखा है। पर अलेप्पो की सल्तनत बाकी सल्तनतों की तरह नहीं है। तुम लोग देख क्या रहे हो? सर कलम कर दो इस कंबक का। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, इसमें लिखा है कि जो खत लेकर आया है वो सर लेके जाएगा। अभी तक ये भाले यहीं रुके हैं, ये आर पार भी जा सकते हैं। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, एक बार फिर से सोच लो, नहीं तो अलेप्पो के हर एक एक इंसान की मैं जान ले लूंगा। रुको, रुको। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। खून बहाने का मौका एक बार फिर से निकल गया। क्या हुआ, डर गए? एक बात याद रखना, आज यहां जो कुछ भी हुआ अगर इसके बारे में तुमने किसी से भी कहा तो तो ये याद रखना कि यहां मौजूद हर एक एक शख्स का मुझे नाम और पता दोनों मालूम है। अंश के अब्बू, इसे तो हमारे नाम तक पता है। दुनिया मरूद सी, जिन बारूद सा। हा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 ह
आग बनना है तो बारूद का डर भूलना होगा, और अब इस आग में जफर की दौलत भी जलेगी और उसकी दुनिया भी। इरादा नेक है आका, पर जफर का कीमा बनाने के लिए मीनार से बाहर निकलना होगा। वो कैसे करेंगे? अंगूठी छाप। अलादीन सीधा साधा लड़का था जिसके लिए हर दरवाजे के अंदर भी एक दीवार थी, पर अली वो बला है जिसके लिए हर दीवार के अंदर एक दरवाजा है। मैं जानता हूं कि आप मेरे भरोसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी छोटी कट चुकी है, मेरी जादू की ताकत मुझसे छीन ली गई है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही जादू है, वहम का जादू। मैं अब सिर्फ खुद पे भरोसा करता हूं। और रही बात यहां से निकलने की, तो तुम्हारी चमक खत्म हुई अंगूठी छाप, तुम्हारी अंगूठी की नहीं। मतलब? तूने मुझसे सूबेदार ताहिर से दुश्मनी मोल लेके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। 786 अब पड़ा रहे मीनारों में और सड़ता रहे। कमबख्त ने इतना दौड़ा दिया, भूख ही नहीं मिट रही है। ये क्या, ये मीनार की ओर से ऐसी चमक क्यों आ रही है? मीनार में तो अंधेरा होता है, देखना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। आका, वो गलीस कमीना देख रहा है। मछली जाल में फंस गई। आका, वो यहाँ आएगा तो आप क्या करेंगे? एक हाथ ले एक हाथ दे, उसको अंगूठी दूंगा और बदले में अपनी आजादी लूंगा। वाह आका, क्या तरीका सोचा है आपने। एक हाथ ले एक हाथ दे, मतलब आप उसको अपनी अंगूठी देंगे और वो, ये अंगूठी मेरी अंगूठी। नहीं आका, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसने कहा? मैं तुम्हारा आका हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। आका नहीं। चलो चलो, अब अच्छे जिन ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहते। आका नहीं, आका नहीं, आका नहीं, नहीं। पत्थर हटाओ, जल्दी जल्दी पत्थर हटाओ, नहीं तो तुम सबको इसके नीचे दबा दूंगा। ए, कहाँ है 786? यहाँ। आका, कम से कम इस खबीज को ये अंगूठी मत दीजिए। आका, ये चमक कैसी है? इससे, इस अंगूठी से? बेवकूफ समझता है मुझे, ये अंगूठी मेरे पास थी, इसमें कोई चमक नहीं थी, अभी कैसे आई? ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, काले चोर की जादुई अंगूठी थी। इसमें एक बहुत ताकतवर जिन रहता है जो काले चोर का गुलाम था। तुम्हें क्या लगा, तभी तो आज तक काले चोर को कोई पकड़ नहीं पाया। अरे क्या झपट रहे हो, जब तुम्हें इस अंगूठी का इस्तेमाल करना नहीं आता तो लेके क्या करोगे? सुबेदार साहब, मुझे ये इसकी कोई चाल लग रही। और तुम्हें लगता है कि सुबेदार ताहिर मेरी चाल में फंस जाएंगे? तुम इतना बड़ा गधा, बेवकूफ, इतना बड़ा उल्लू समझते हो? इतना बड़ा नहीं समझते। तो कितना बड़ा समझते हो? इतना बड़ा? ला, ये लोग क्यों उल्लू बोल रहे हैं? खामोश। आका नहीं। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे पास ये अंगूठी भी है और ताकतवर जिन भी है, तो तुम यहां से भागे क्यों नहीं? मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, और वैसे भी ये अंगूठी इन हसीन उंगलियों पर नहीं, तुम्हारे जैसे सांड की उंगलियों पर अच्छी लगेगी। अब जल्दी बताओ, जिन देखना है? हाँ, दिखाओ दिखाओ। तो फिर आ। आका नहीं, आका आका आका
अल्लाह अल्लाह देख लिया? हाँ यकीन भी हो गया ना? हाँ अब अगर तुम्हें पूरा जिन देखना है और इस अंगूठी का इस्तेमाल सीखना है तो तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। ए, पत्थर हटाओ, मीनार खोलो जल्दी। अंगूठी चाप, अंगूठी के अंदर जाओ। जो हुक मेरे आका।